वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक सियासी ऑफर को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती तो इंडिया गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हरा देता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर मायावती सचमुच बीजेपी को हराना चाहती हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि यूपी में कम से कम 16 ऐसी सीटें साफ तौर पर दिख रही हैं जहां बीएसपी के कारण इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हार गया, क्योंकि उन सीटों पर हार का अंतर बीएसपी के पाए वोट से काफी कम था। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बीएसपी के वोटों में बिखराव के कारण ही बीजेपी की यूपी में हार हुई, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि इस चुनाव में यूपी के अंदर बीएसपी के पास सिर्फ 9.49% वोट ही बचे, जबकि 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के पास यूपी में 12.88% वोट थे। तो कहा यह जा सकता है कि 3% से अधिक का जो वोट बीएसपी का घटा वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के बीच ही बटा है, और दलित वोट की ये मामूली शिफ्टिंग नहीं। 2022 में मायावती को उत्तर प्रदेश में 65% जाटव वोट मिले थे, जो इस बार सिर्फ 44% ही मिले। इसी तरह से बीएसपी का गैर जाट वोट बैंक भी 27% से घटकर 15% हो गया है। इसी शिफ्टिंग को अपनी सियासत का शुभ लक्षण मानते हुए अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बीएसपी पर डोरे डालने लगी है और इसे इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे रही है। हालांकि मायावती नहीं मानती कि उनका दलित वोट बैंक खिसका है। चुनाव में वोट प्रतिशत कम होने के पीछे वो मुस्लिम मतदाताओं को जिम्मेदार मानती है। फिर भी इस बार के चुनावी नतीजों के बाद दलित वोट बैंक को लेकर सभी दल सियासी चक्कर चलाना चाहते हैं। हाथी से हाथ मिलाने की चाहत इंडिया गठबंधन को तो है ही, एनडीए भी चाहेगा कि अगर दलित वोट ही यूपी में निर्णायक भूमिका निभा रहा है तो हाथी उसका साथी बन जाए। ऐसे में सवाल यही है, क्या कांग्रेस के ऑफर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बीएसपी का खिसकता जनाधार बच पाएगा? क्या विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जाना बीएसपी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? और देश भर में जिस तरह बीजेपी की दलित सीटें घटी हैं, वैसी सूरत में बीएसपी का साथ बीजेपी के लिए भी क्या मुफीद होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ...2024 के चुनाव नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन की बाँछें खिल गयी। सबसे ज्यादा जश्न उत्तर प्रदेश में माना, जहां इंडिया गठबंधन ने एनडीए को घुटनों पर ला दिया। अखिलेश यादव जीत के हीरो बनकर निकले, राहुल गांधी को 2 गुना फायदा हुआ। जीत का जोश इस कदर हावी हुआ कि किसी को वाराणसी से पीएम मोदी को हराने की कसक अब भी उठ रही है तो कोई 2027 में 300 पार का नारा देने लगा। बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। हम लोगों ने लगभग 40,000 वोट बढ़ाया है। और इस नारे को सच में तब्दील करने का आइडिया भी कांग्रेस की ओर से पेश किया जा रहा है। चुनाव से पहले अखिलेश कहते थे नतीजा 79-0 होने वाला है, अब कांग्रेस कह रही है अगर मायावती गठबंधन में आ गई तो यूपी में रिजल्ट 80-0 का होता। 80-0 होता, 80-0 मोदी जी भी हार जाते। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आदरणीय मायावती जी का, तैयार नहीं हुई, उनका हम एकला चलेंगे। चले 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूँ। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप तो मायावती जी अगर साथ रही होती तस्वीर फर्क होती, और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं, ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिन 16 सीट पर हार की वजह मायावती को बताती है वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की भदोही, मिर्जापुर, बांसगांव, देवरिया, फूलपुर, अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिश्रिख, शाहजहांपुर और उन्नाव। इन सीटों पर बीएसपी ने इतने वोट झटक लिए जो हार जीत के अंतर से ज्यादा थे। यानी इन सीट पर बीएसपी अपना वोट बैंक बचाए रखने में कामयाब रही, और अगर इन सीट पर भी दलित वोट खिसकता तो बीजेपी का आंकड़ा यूपी में क्या 20 से भी नीचे जा सकता था?
क्योंकि इस बार यूपी में बीएसपी को 9.39% वोट मिले, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 3% कम है। इन 3% में सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हुआ, और ये शिफ्टिंग कितने बड़े पैमाने पर हुई, अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2022 में मायावती को यूपी में जाटव वोट का 65% हिस्सा और गैर जाटव दलित वोट का 27% वोट मिला, जो इस बार के चुनाव में घटकर 44% जाटव और सिर्फ 15% गैर जाटव वोट तक मायावती के पास सिमट कर रह गया। दलित वोटों के इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने से उत्साहित कांग्रेस एक बार फिर मायावती को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दे रही है। मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। अब 2027 का चुनाव है, क्या मायावती से फिर से बातचीत का दौर शुरू करेगा? देखिए, अभी बात खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया, तो बातचीत क्या? बातचीत तो दोनों की दोनों तरफ से हो सकती ना, एक तो अकेला अकेला चलो रे, दूसरा क्या करेगा। हमारे लिए बड़ी शुभ संकेत है कि जो अनुसूचित जात का मतदाता है, सिल्लू का मतदाता, वो कांग्रेस की ओर वापस आया इस चुनाव। और दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होने का ही असर है। यूपी में बीजेपी का ये बुरा हाल हुआ, खुद बीजेपी के मंत्री भी मानते हैं हार के पीछे बीएसपी का वोट शिफ्ट होना बड़ा कारण है। इस बार सपा बसपा का अघोषित गठबंधन और बसपा का वोट शिफ्ट कर गया इस अफवाह पर कि आरक्षण और संविधान को खतरा है, जो कभी हो ही नहीं सकता। जबकि मोदी जी ने कहा था, जब तक वो जिंदा है कोई माई का लाल इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना आरक्षण के साथ। बीएसपी टोटल खत्म हो गई, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी जिंदा हुई है। हालांकि दलित वोटों के बिखराव से उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा सीट पर बीजेपी को भी फायदा मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन को इसका ज्यादा फायदा होता है। माना जा रहा है कि इटावा, धौरहरा, खीरी, एटा, संभल, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, सुल्तानपुर, बांदा, फतेहपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मछली शहर, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली और घोसी में बीएसपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। अब इंडिया गठबंधन इस कोशिश में है वोटों की ऐसी शिफ्टिंग परमानेंट हो जाए, इसके लिए बीएसपी को गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। आज पार्टी का हशर क्या हुआ, जीरो पर आउट हो गए। सब ऐसे दल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, उन सब का इलाज जनता ने कर दिया। हालांकि खुद मायावती अपनी हार का ठीकरा दलित वोटर्स पर नहीं फोड़ती, उनका मानना है मुस्लिम वोट बैंक ने उन्हें धोखा दिया, 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद मुस्लिम वोट नहीं मिला। वैसे मायावती खुद को एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों से फिलहाल बराबर दूरी पर रखे हैं, लेकिन यूपी में 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वोट काउंट किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। आज तक ब्यूरो। वैसे इस बार के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जाति निकलकर ही आया है। उसमें भी दलित वोट के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के चुनावी हथकंडों से दलित वोटर का रुझान उनकी ओर बढ़ गया है। कुछ आंकड़े आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। देखिए, देश में अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली 156 सीटें हैं, वो आंकड़े हम देखिए, दलित बहुल 156 सीटें हैं, ये आंकड़े आपके सामने हैं। अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली ये 156 सीटें हैं। इन 156 सीटों में से 2019 के चुनाव में एनडीए को 91 सीटें मिली थी, यहां पर आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं इस बार के जरिए। लेकिन 2024 जब आया तब आप देख रहे हैं 2024 में 34 सीटों का उसको नुकसान हुआ और एनडीए को सिर्फ 57 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ देखें तो 2019 में एससी बहुल 156 सीटों में से इंडिया गठबंधन को सिर्फ 40 सीटें ही मिली थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 53 को अपने साथ जोड़ लेता है और उसके बाद 93 तक पहुंच जाता है, यानी कि 53 सीटें बढ़ी। इंडिया गठबंधन को 156 में से 93 सीटों का फायदा हो गया, सीधे सीधे ये सीटें बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन को अगर सीटें जो बढ़ी हैं उसमें 34 सीटें एनडीए के खाते से और 19 सीटें अन्य के खाते से इंडिया गठबंधन को मिली हैं। इससे जाहिर होता है कि जिन सीटों पर दलित मतदाता प्रभावशाली थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अब एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं, ये देश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 लोकसभा सीटों का आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं।
अगर हम इन सुरक्षित 84 सीटों की बात कर लें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। पिछले तीन चुनावों का ये आंकड़ा है, तीन चुनावों के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है 2014 में बीजेपी को 40 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली थी, अन्य को 37 सुरक्षित सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सुरक्षित सीटें ही गई थी। ये पूरा का पूरा आंकड़ा आपके हम सामने रख रहे हैं, यानी कि यहां पर यह आंकड़ा बताता है। लेकिन 2019 में बीजेपी ने 84 सुरक्षित सीटों में से 46 जीती थी, अन्य को 32 सीटें मिली थी, कांग्रेस की सीट घटकर 6 रह गई थी। अब चमत्कार 2024 में हुआ जब बीजेपी को 84 में से सिर्फ 30 सीटों पर, यह आंकड़ा आप देख रहे हैं जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ 30 सीटें सुरक्षित सीटों पर जीत मिली, अन्य ने अपना होल्ड बनाए रखा और 34 सीटें मिली। लेकिन कांग्रेस की सीट 6 से बढ़कर 20 हो जाती है, मतलब 14 सुरक्षित सीटें कांग्रेस के खाते में जुड़ गई हैं। ये पूरे देश का चार्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें तो जरूर गवा दी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत नहीं खिसका है। 2014 में बीजेपी को 27.6% एससी वोट मिले थे, कांग्रेस 17.6% पाई थी, अन्य के खाते में 54.8% वोट गए थे। 2019 में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा, उसे 35.3% एससी वोट मिले, कांग्रेस को 16.7% मिले और अन्य के खाते में 47.9% वोट गए थे। लेकिन 2024 का आंकड़ा बताता है कि बीजेपी को एससी वोट शेयर 35.2% पर ही टिका रहा, यानी कि यहां पर 0.1% की कमी जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई, लेकिन कांग्रेस का एससी वोट बढ़कर 21.1 हो गया, अन्य के खाते में गिरावट आई और उन्हें 43.7% एससी वोट मिले। तो इस तरह बीजेपी देश के स्तर पर अपना दलित वोट बैंक बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन यूपी में ऐसा उलटफेर हो गया कि जाति के जाल में उलझकर बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें भी गवा बैठी और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर मौजूदा वक्त में की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। और बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की खोई हुई जमीन को अब कैसे हासिल करेगी बीजेपी, और यहां पर पूरा दम लगा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ताकि बसपा को, मायावती की हाथी को अपने साथ हाथ में लेकर आया जा सके। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ ही देर में आपको दिखेंगे। सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे जी, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के आप सपोर्टर हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए शिवम त्यागी जी, चूंकि मौजूदा स्थिति बीजेपी के लिए ऐसी बन गई है, मायावती एक तरह से दोधारी तलवार का काम कर रही है, कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान तो कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूरी उम्मीद है कि बहन मायावती साथ में आ गई होती तो 80 सीटों पर क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर लेता, और अब तो प्रमोद तिवारी उनको ऑफर भी कर रहे हैं विधानसभा के मद्देनजर। चिंता बढ़ा दी है इस ऑफर ने भारतीय जनता पार्टी की? चित्रा जी, प्रमोद तिवारी जी शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर कांग्रेस 2014 और 2019 में वोट कटुआ से ज्यादा कुछ भी नहीं रही है, वो वोट कटुआ पार्टी ही साबित हुई है लगातार, यदा कदा अखिलेश यादव जी इस बारे में कहते ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खासतौर पर तो जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में रही, लंबे समय से सरकार में नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राज्य की बड़ी नेता रही हैं, देश की बड़ी नेता रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी रही है। रही बात उनको ऑफर देने की, तो आने वाले 5 साल जो है इन बेचारों की उम्मीद में और ऑफर में ही बीतने हैं। ये पूरे देश में ऑफर 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 और ही बांटते फिरते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपने कहा कि वोट किसका कहां खिसका, एक तथ्य और एक डेटा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कहने वाली बात है कि हाइपोथेसिस है, ये हो जाता तो वो हो जाता, लेकिन सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को अगर 5 लाख वोट और ज्यादा मिलते तो एनडीए जो है 52 से 60 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता। दूसरा फैक्ट यह भी है कि अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए को उत्तर प्रदेश में 3,85,00,000 वोट मिले हैं, और अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की तो उनको 3,81,00,000 वोट मिले हैं, यानी कि 6 लाख वोट ज्यादा। आंकड़े हैं, जाहिर है कि 5 लाख वोट इधर से उधर हुआ तो सीटों का संख्या जो है वो जरूर बदली, लेकिन स्थिति साफ है उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2014 में बहुत शानदार सीटें थी, 2019 में थी, 2024 में जरा थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सरकार बनाए, सरकार बनाकर आज जो है वापस आ चुके हैं। और एक और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, तो मैं तो अगर देशव्यापी बात करूं जो वोट खिसकने की आपने बात की, अगर पिछले 1.5 साल की बात की जाए तो
चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम जीते, लोकसभा चुनाव हम जीते, उसके बाद उड़ीसा चुनाव हम जीते, आंध्रा चुनाव हम जीते, और इसके अलावा अगर अरुणाचल की बात करें तो हम जीते 7 चुनाव, 6 राज्य और 1 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पिछले कुछ महीनों में जीती है। आने वाले समय में भी इसकी स्थितियां सामने आएंगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही जीतेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ वो जरूर हुआ, वो सर आंखों पर, लेकिन उसको दुरुस्त कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल है। सुनील सिंह साजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब बिन हाथी सब सून, ये स्थिति आप लोगों के लिए सुनील सिंह साजन जी बनी हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, 2017 में भी दो लड़कों ने खूब अपनी ताकत दिखा दी थी, लेकिन विधानसभा के आंकड़े आपके पक्ष में नहीं रहे थे, तो अब मायावती जी का ही इंतजार करना होगा कि वो अगर हरी झंडी देंगी तब थोड़ी मजबूती आएगी यहां पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है पूरे देश ने ये जान लिया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए था, एनडीए को पीडीए ने हरा दिया। पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पीडीए क्या है, पीडीए क्या है, जब पीडीए ने पटकनी एनडीए को दे दी, अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि पीडीए क्या है, पीडीए की ताकत क्या है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हम 14 जीते, 19 जीते, हम भी मान रहे हैं, जनता जिसको जनादेश दे, भारतीय जनता पार्टी 14 जीती अपनी बातों से, अपने मुद्दों से आपने काम नहीं किया, आप 19 जीते, देश की जनता ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसानों, पिछड़े, दलित, मुसलमानों, अगड़े सबने आप पर भरोसा किया, लेकिन 24 में आपका सफाया किया है और 27 में भारतीय जनता पार्टी का पोछा लगाएगा उत्तर प्रदेश में पीडीए, और पीडीए ने केवल पीडीए या माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को काम दे दिया है। एक तो दिल्ली के बड़े नेताओं को काम दे दिया है कि आप सबको जोड़ते रहो, ये पहले तोड़ते रहते थे सबको, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा काम दिया कि अब ये सबको जोड़ रहे हैं, और जिस सोच के लोग, एक ऐसी सोच के लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी अपना मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं सरकारी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको गंगा जल से धुलाते हैं, कन्नौज में मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलाते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने और पीडीए ने एक काम भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के विचारधारा के लोगों को काम दे दिया है कि अब तो हमारा अयोध्या में हमारे सांसद हो गए हैं दलित, वो सुबह शाम दर्शन करेंगे भगवान राम के, भगवान राम के भक्त हैं, ठीक है, तो पूरे देश से इस मानसिकता के लोग अब सुबह शाम धुलाई करने मंदिर की, कम से कम कुछ तो करेंगे ना। शिवम त्यागी जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ठीक है, देखिए इतनी प्रचंड जीत इंडी अलायंस को मिली है कि वो 43 पर हैं, हम 37, यानी कि वो 43 पर हैं, हम 37 पर हैं, और वो कहते हैं हम बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। दूसरा एक और भी बात है, वो कहते हैं कि हम आने वाले समय में जो है विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को ऐसी आशा होनी ही चाहिए भाई, सपने देखने में थोड़ी ना जीएसटी लग रहा है या टैक्स लग रहा है, आप खूब देखिए लगातार देखते ही आए हैं। तीसरी बात, इन्होंने अपने अयोध्या के सांसद की कही कि वो तो अब रोज दर्शन करेंगे, हम तो चाहते ही हैं दर्शन करें, वो भी करें, पूरा देश करे, दुनिया करे श्री राम का दर्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्हीं से पूछा गया कि आपकी क्या विचारधारा है, आपने श्री राम का जो पट्टा पहना हुआ है ये कहां से आया, कहते नहीं नहीं ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये तो कोई कार्यकर्ता, कोई शुक्ला आया था वो डालकर चला गया, इस वजह से जो है वो मेरे गले में, हमारी तो एक विचारधारा है वो तय है। तीसरी बात, श्री राम से इतना ही प्रेम है तो अब तो श्री राम ने घर वापसी करा दी भैया आपकी, जब पहले निमंत्रण पहुंचा था तो कह दिया कि नहीं नहीं हम बाद में सहपरिवार आएंगे, अब बाद में चुनाव भी अच्छे हुए, उसमें रिजल्ट भी अच्छा आया, घर वापसी भी हो गई अयोध्या में, अब तो कम से कम श्री राम के जाकर के सामने जाकर मत्था टिका लो, अब तो माफी मांग लो पुराने पापों की। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो चुनाव के रिजल्ट रहे हैं, जाहिर है जितनी सीटें कम हुई उस पर तो विश्लेषण होगा ही, बात होगी, चर्चा परिचर्चा होगी, हमारे यहां कोई ऐसा अथॉरिटेरियनिज्म वाला सिस्टम है नहीं, हम बैठकर बात करेंगे, चीजों को सुधार करेंगे और आने वाले राज्य के चुनाव में भी जीतेंगे। लेकिन 5 साल जो विपक्ष के लिए है वो बड़े कष्टदायी होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल छोड़कर भाग चुके हैं, उद्धव जी ने आज कह दिया है कि मैं अलग लड़ना चाहता हूं, ममता दीदी के साथ ऑलरेडी आप देख रहे हैं किस तरह का टसल चल रहा है। मैं मानता हूं उनको अपने आप को विपक्ष में रहते हुए भी संगठित रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसकी वजह यह भी है
2019 से 24 के बीच में बहुत सारे बिल जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जो आए वो पुश किए गए, वो बिल पास भी कराए गए, उसमें बहुत वोट्स जो थे वो विपक्ष की तरफ से भी आए थे, तो उनके लिए चैलेंज है। एनडीए जो है इकट्ठा था, संयुक्त था, है और रहेगा। ठीक है, अब आगे ये जो चैलेंज आपको इंडिया गठबंधन से मिल रहा है उसका सामना आप कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आशुतोष जी भी हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन उसके पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी, अनिल दुबे जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, पहले आपके पास आते हुए, देखिए ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर 2024 के इलेक्शन में उभरी है, कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें वहां पर मिल गई है, लेकिन जरा आप सोचिए 2009 के चुनाव में 22 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद वो अपनी सरकार भी विधानसभा में नहीं बन पाई है, यहां पर भी आप तो पिछलग्गू पार्टी ही रत्नाकर त्रिपाठी जी बनकर रह गए ना, वो जो अपनी उसकी खुद की ताकत है वो कब निकलकर सामने आएगी उत्तर प्रदेश में? यूपी को ले लें, बिहार को ले लें, हर जगह ऐसा लग रहा है कांग्रेस जैसी पार्टी पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है रत्नाकर जी। और अब आप लोगों को बहन मायावती का इंतजार है कि भैया आ जाएं तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। आप कुछ दूसरे ट्रैक पे सोच रही हैं मैडम। हाँ, मैं एक इंडिया गठबंधन बना के चुनाव लड़ा और हमें इस बात की बहुत खुशी और गर्व है कि हम लोगों ने इतनी बेहतर परफॉर्मेंस की। सवाल यह है कि इस समय हमको उनसे लड़ना है जो देश की बर्बादी का कारण बन रहा है, जो देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, जो देश के उद्योग बेच रहे हैं, जिनके चलते बेरोजगारी बढ़ी है, जिनके चलते वैमनस्यता बढ़ी है, जिनके चलते राजनीतिक विद्वेष और विषता बढ़ी। तो जब हमको उनके खिलाफ लड़ना है तो सर्वप्रथम हम सबको मिलकर के करना होगा। और ये जो बसपा के लिए कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है, ठीक है बाद में थोड़ा बिखराव हुआ, लेकिन समाजवादी और पार्टी और बसपा साथ में आए थे। और आज की तारीख में बसपा को अगर आप देखिए तो अकेले रह के मिल क्या रहा है, 10.4% वोट उनके घट गए, उसके पहले 10 सीट पाए थे जीरो पे आ गए, 20 सीट पाए थे पहले उसके भी पहले वो भी जीरो पे आ गए। तो सवाल यह है कि अगर मायावती को प्रादेशिक राजनीति में अपनी उपयोगिता सिर्फ बनानी है तो वो लड़ती रहे तो धीरे धीरे वोट कठुआ पार्टी हो जाएगी, लेकिन अगर राजनीतिक औचित्य अपना सिद्ध करना है तो निश्चित तौर पे उनको गठबंधन में आना होगा। और ये बात तो आप कम से कम इस बात को तो सराहिए कि हमने इस बात को स्पष्टता कहा कि मायावती जी के चलते, उनकी पार्टी के चलते हम 16 सीट हारे, तो इस बात को कह के हमने कोई उनको धमका करके, ललचा करके या इस तरह से नहीं कहा, हमने उनसे कहा कि व्यापक दृष्टिकोण बनाइए, एक लार्जर कैनवस। आप खुद सोचिए ना, बनारस के अंदर 34,000 वोट पाया अतहर जमाल लारी ने, हाँ, जो मायावती जी के वोट थे, तो ये और फिर बिखरा हुआ पूरे मायावती जी के वोट। अरे भैया, मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो वो चाहेंगी ना कि मुख्यमंत्री वही बने, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर झगड़ा नहीं हो गया क्या रत्नाकर त्रिपाठी जी? अब मायावती जी के लिए तो बीजेपी भी अछूत नहीं है, समाजवादी पार्टी भी अछूत नहीं है, लेकिन अगर वो समर्थन देंगी तो वो चाहेंगी ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही हो, फिर कहां जाएंगे अखिलेश यादव, रत्नाकर जी? और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी दावेदार नहीं है, उसकी बहुत कम सीटें हैं। मैं बोल लूं अब? हाँ बोले बोले आप ही से। मायावती मैडम जब आएंगी तब क्या चाहेंगी क्या नहीं चाहेंगी ये राजनीतिक विमर्श का विषय है। हाँ। और जब मायावती जी आएंगी तो जो वो चाहेंगी वो उसके लिए लोग तैयार होंगे या नहीं होंगे ये भी राजनीतिक विमर्श का विषय है, किंतु उन्होंने अपनी ओर से पहला कदम बढ़ा दिया है, पहला नहीं कई कदम बढ़ा दिए। देखिए अगर इसको आप राजनीतिक एनालिसिस के तौर पे देखें तो मायावती जी जिस चीज से सबसे अधिक चिंता में थी, चंद्रशेखर रावण, वो भी चुनाव जीत गए नगीना से, बिल्कुल। आप देखिए, आप एक मतलब मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आप एक प्रबुद्ध एंकर हैं और इतने साल से एंकरिंग और राजनीतिक लोगों से बात करते करते आपकी राजनीतिक विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, वोटर जो होता है वो धीरे धीरे अपना घर खोजता है। हमारे यहाँ बनारस में कहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे तो हारेंगे तो आपके साथ कुछ लोग निश्चित तौर पे जाएंगे, लेकिन आप बॉर्डर पे खड़े रहेंगे तो अकेले साइकिल पे स्कूटर बैठ के घर जाएंगे। तो आज की तारीख में निश्चित तौर पर मायावती जी के पास एकदम अच्छे से, जिसे हम्बल वे बोलते हैं ना, सबने कदम बढ़ाया है। अरे लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, सुनील सिंह साजन के लिए तो यही कहावत कही जाएगी ना,
2019 में मायावती जी जब आ गई थी तो यादव वोट बैंक तो उधर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से वो 10 सीटें जीत गई, लेकिन उनका दलित वोट बैंक 2019 में समाजवादी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ था और फिर 5 पर ही उनको संतोष करना पड़ा था। तो बड़ा सवाल यह है कि उनके आने के बाद किसको ज्यादा फायदा होता है और क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी भी तैयार होगी। मैं आऊंगी शिवम जी आपके पास, लेकिन उसके पहले दो और मेहमान है। अनिल दुबे जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, लेकिन चिंता तो बढ़ गई है ना, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और हर जगह जो दबदबा इंडिया गठबंधन ने दिखाया है उसे यकीनन एनडीए की मुश्किलें बढ़ा कर रखी हैं, और मायावती भविष्य में अगर फैसला करती हैं उधर जाने का फिर तो क्या ही होगा आप लोगों का। अनिल दुबे जी, देखिए चित्रा जी, जहां तक गठबंधन की बात है तो ये तो फैसला मायावती जी को करना है कि उनको किधर जाना है, लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगभग शून्य की तरफ है। कांग्रेस उनको ऑफर देने की बात कर रही है, और कल को क्या कांग्रेस ने ऑफर किया उन्होंने समाजवादी पार्टी से? पूछा नहीं, पूछा होगा। और वो अपने गठबंधन को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो उनका गठबंधन है दिल्ली हिमाचल पर आरोप लगा रहा है, ममता जी जो है अलग उनका राग है, जब अपने गठबंधन को जो पहले से उनका बना हुआ है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को लाने की बात कर रहे हैं, और अगर वो आती भी है तो उनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है, कुछ कहीं कुछ होने वाला नहीं है किन्हीं परिस्थितियों से, उसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, एनडीए करेगा कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग कुछ सीटों पर हारे हैं वो उनकी समीक्षा जो है एनडीए गठबंधन करेगा। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के अच्छा प्रदर्शन किया है, और जो ये षड्यंत्र जो इन्होंने ओबीसी को या दलितों को के बीच में एक गलत मैसेजिंग करने का काम किया उसको हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके जो षड्यंत्र है उसको रोकने का काम किया, और आज देश में एनडीए की सरकार बनी है, श्री मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार जनादेश आया है आगे आने वाले चुनाव में नहीं रहेगा। हाँ। एनडीए का परचम चित्रा जी फिर से लहराएगा। अरे आप कह रहे हैं कि मायावती जी शून्य पर खड़ी हुई हैं, लेकिन बीते अगर तीन लोकसभा विधानसभा की मैं बात कर लूं, देखिए 2019 में उनको 19% वोट मिले थे, हालांकि सपा के साथ गठबंधन था। 2022 में उनको 12% से ज्यादा वोट शेयर हासिल हुए थे। 2022 की मैं बात कर रही हूं विधानसभा की, मौजूदा स्थिति की बात करूं तो तकरीबन 10% के आसपास ही आप कह रहे हैं शून्य पर खड़ी हुई हैं। अरे मायावती का ये शून्य जहां पर लग जाता है एक में वो पूरा 10 हो जाता है ना, इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? तो ये बात भी अनिल दुबे जी आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन आशुतोष जी अब सीधे आपके पास आते हुए, हाँ ठीक है आशुतोष जी, लेकिन इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी मायावती को ये ऑफर कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, आपको लग रहा है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है उत्तर प्रदेश में? मायावती इस बारे में सोचेंगी? नहीं, मुझे लगता है मायावती ने वो बस मिस कर दी है, अब उस बस पर कोई ज्यादा सवारी के लिए मौके है नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना होगा और जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर आप समझ सकते हैं, एक बनारस, दूसरा अयोध्या, तीसरा अमेठी और चौथा रायबरेली। आप और सबसे बड़ी खबर इस पूरे चुनाव की यह है कि जिस बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दावा किया जा रहा था कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वो बमुश्किलन 1.5 लाख वोट से जीतते हैं और शुरुआत के 3 घंटे वो पीछे रहते हैं। उधर जिस राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त तरीके से गालियां दी जाती थी, न जाने क्या क्या उनके बारे में कहा जाता था, वो रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो करीब 3.5 लाख वोटों से जीतते हैं। उनके बगल में अमेठी, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं और ये कहती है कि मेरे खिलाफ तो एक चपरासी को खड़ा कर दिया, पीए को खड़ा कर दिया गया, और वो पीए जो 1,67,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हरा देता है। और चौथा है अयोध्या। अयोध्या के अंदर अवधेश पासी का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जो नारा उन्होंने दिया था उस पर शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी। ये नारा लगा के अगर अयोध्या के अंदर कोई जीतता है तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो भगवान राम के बहाने राजनीति करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने को अपना एकाधिकार समझते हैं और बाकी लोगों को गैर हिंदू घोषित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं काशी में और वो अयोध्या में चुनाव हार रहे हैं, रायबरेली में चुनाव हार रहे हैं और अमेठी में चुनाव हार रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चेतावनी है और इस चेतावनी की शुरुआत 2022 के विधानसभा के चुनाव में मिल गई थी जब समाजवादी पार्टी का वोट 10% बढ़ा था, 32
22 से बढ़ के 32% हुआ था, इस चुनाव में वो 32 से बढ़ के 34% हुआ है, गठबंधन के साथियों के साथ वो बढ़ के 42% हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये बार बार कहा जाता था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर विधानसभा की तुलना में 8 से 10% बढ़ता है, इस बार बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं। और ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व के आइकॉन है, नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं, काशी मथुरा अयोध्या है, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का 33 सीटों पर सिमट जाती है, इसका मतलब यह है कि संकेत भारत की जनता बहुत स्पष्ट दे रही है कि आप हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं उसकी सीमा हमने निश्चित कर दी है, आगे करेंगे तो आपको सबक मिलेगा और उसके लिए उसके बहुत दूसरे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक ये भी तो आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि 5 सालों तक शासन चलाने के बावजूद 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब 2022 में बीजेपी की सरकार ने रिपीट किया खुद को, जो पिछले 35 सालों तक नहीं हुआ था। और 1984 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार घटती हुई चली गई। 403 विधानसभा में से कांग्रेस पार्टी के पास 2 विधायक हैं, जिनमें से एक खुद प्रमोद तिवारी की खुद अपनी सीट है जिसको वो लगातार जीत रहे हैं, उनकी बेटी वहां से विधायक है। बिल्कुल चित्रा, मैं एक चीज यहां उदाहरण देना भूल गया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई है। अभी सीएसडीएस का सर्वे आया है और सीएसडीएस का सर्वे जो पोस्ट पोल सर्वे वो कहता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर 32% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 32% लोगों नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और 36% लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, तो अब अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो जो हाल लोकसभा चुनाव का हुआ है वो कहीं अगले बार विधानसभा में ना हो जाए। अरे लेकिन 6 ही सीटें जीती है ना आशुतोष जी कांग्रेस पार्टी ने, कह रहा हूं। मतलब बीजेपी की 36 है उनकी 6 ही है, और आप एक आंकड़ा दे रहे हैं सीएसडीएस का। आपकी बात अगर मैं मान भी लूं, देखिए यहां पर अखिलेश यादव को थोड़ी देर के लिए अलग कर दें क्योंकि उन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, सिर्फ 5 ऐसी सीटें रही जहां पर यादव उम्मीदवार उतारे और 4 पर उन्होंने मुसलमान उतारे, बाकी सीटों का तालमेल 62 पर बहुत करीने से उनकी ओर से किया गया जिसका फायदा उनको अखिलेश यादव को मिला है। लेकिन जब बात कांग्रेस पार्टी की आएगी, कांग्रेस कितने पर लड़ी और 6 सीटें जीती, 6 में 1 रायबरेली और 1 अमेठी की ही सीटें शामिल है, इस बात से कैसे इनकार करेंगे आशुतोष जी? और मेरा यह सवाल आपसे यह है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, मेरा यह सवाल है कि राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग पीएम बनते देखना चाहते हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, फिर तो यहां पर सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था, बीजेपी की 0 सीट आनी चाहिए थी, वो क्यों टिक गई यहां पर आशुतोष जी? वो भी तब जब 10 सालों का शासन उसका रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार से एक नाखुशी होती है 10 सालों के शासन के बाद। चित्रा जी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, हाँ मैं फैक्ट दे रहा हूं, ये सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे है। उसमें क्यों नहीं हुआ कांग्रेस का? जब देखिए मैं तो सिर्फ आपका आंकड़ा ही बता सकता हूं, अब अगर कभी आप सुपड़ा क्यों नहीं साफ उस पर अगर बताऊं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मायावती के लिए चिंता का सबब क्यों होना चाहिए? 56% सवाल मेरा गोल गोल कर दे रहे हैं, जो मैंने पूछा था उसका जवाब दीजिए ना आप। इधर आप उधर जा रहे हैं ना, मैं उसमें जाने नहीं दूंगी, पहले जवाब दीजिए क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी 0 पर आ गई अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज्यादा लोग पीएम देखना चाहते उत्तर प्रदेश में? तो गोलमेल जवाब में नहीं दे रहा हूं, हां मैं साफ जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आई है, और ये बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आया कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। अभी भी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, कार्यकर्ताओं की कमी है, और उनको इस बात का भी एहसास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इस बार इतनी तगड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में होगी। हम जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं सब कहते थे भाई 2019 में तो समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था जो इससे ज्यादा मजबूत था, कांग्रेस तो 2% की पार्टी थी। लेकिन अगर 2% की पार्टी 6 सीट जीत जाती है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस में 1.5 लाख वोटों से सिर्फ जीतते हैं जबकि 5 दिन पहले अमित शाह पहुंच जाते हैं, आधी से ज्यादा उनके कैबिनेट पहुंच जाती है, तो ये चिंता का सबब है। ये बीजेपी को सोचना है, कांग्रेस पार्टी को नहीं सोचना है। बीजेपी सोचे कि भाई आप प्रधानमंत्री 10 लाख से जीतने वाले थे। बोलिए शिवम त्यागी जी, ठीक है मैं सीधा सवाल बीजेपी के नेता से ले लेती हूँ, बोलिए शिवम त्यागी जी। देखिए चित्रा जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आशुतोष जी ने कहा कि भाई ऐसे होता तो वैसे होता। एक कहावत है ना कि मेरी दादी को अगर मूछे होती तो मैं दादा कहता, भारतीय जनता पार्टी को अगर 5 लाख वोट और मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी 52 से 60 सीटें लेकर आती। हाँ।
जो वोट कटुआ पार्टी उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस, अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है, वो कहते हैं कि अगर बहन जी अलग ना लड़ती तो उसकी स्थिति ये होती कि इंडिया गठबंधन जो है इंडी चुनाव जीत जाता। मैं कहता हूं ये सारी पोस्ट पोल जो है आपकी एक थ्योरीज है कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, एनडीए चुनाव लड़ा, हम सब चुनाव लड़कर आए। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई, एनडीए जो है 300 के पास सीटें आए, 292 सीट्स लेकर आया। उसके बाद स्थिति यह है कि सरकार बन गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। हिंदुस्तान के एक राज्य दिल्ली, दिल्ली के एक किसी एरिया में बैठकर, किसी कमरे में बैठकर आशुतोष जी कह रहे हैं कि भाजपा को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, वरना जो है प्रधानमंत्री जी का जो स्थिति रही है कहीं ना कहीं अपने आप में चिंतनीय है। हम 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट कर रहे हैं, हम दूसरी बार सरकार बनाने वाले 32 साल बाद लोग थे, हम तीसरी बार सरकार बनाने वाले 62 साल बाद पुरानी पार्टी हैं। वो कहते हैं नहीं, चिंता की आवश्यकता है। हाँ, आत्ममंथन की आवश्यकता हर किसी को, तो आपकी चिंता कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको निशाने पर ले रहे हैं, फैक्ट नहीं है। बिल्कुल निशाने पर नहीं ले रहा हूं मैं उनको, बिल्कुल निशाने पर नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो इधर उधर से डेटा उठाकर उसको जोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता बताई जा रही है, वैसा नहीं है। अगर 6 सीटें वो लेकर, एक वोट कटुआ पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर आई भी है और आप मानते हैं कि वो आने वाले समय में गेम चेंजर हो जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सेम स्थिति उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के साथ लड़ते हुए समाजवादी पार्टी की हो गई थी, जब बहन कुमारी मायावती 10 सीटें लेकर आ गई थी। ऐसा नहीं कहा गया कि वो समाप्त हो गए, नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चुनाव दर चुनाव वोट जो शिफ्ट होता है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर अगर हम आकलन करें तो हां, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के आधार पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन बावजूद उसके इस देश में कहते वो सीएसडीएस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनको सिर्फ 35% जनता चाहती है और राहुल गांधी को 60% चाहती है, तो सीएसडीएस से ही कह दीजिए ना, वही अनाउंस करते हैं इस देश का प्रधानमंत्री। तर्क है क्या इस बात में? अभी चुनाव हुए हुए कुछ महीना भी नहीं हुआ भाई, मुझे लगता है कि शायद साल दो साल बाद इन सर्वेस की बात करी जाए तो लॉजिक भी समझ में आएगा। लेकिन आज सत्य यह है कि इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हां, उनको जिस तरीके से सीटों का सर्ज हुआ है, और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है भगवान इनको हर बार 2 सीटें ज्यादा दे दे और हमारी सरकार बनवा दे। जिस तरीके से उनकी सीटों में सर्ज हुआ है, कहीं कोई दोराय नहीं है, हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन उनको तो हमसे 5 गुना आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर सारी पार्टियां मिलकर भी भाजपा के बराबर सीट नहीं ला पा रही है तो यह गहन चिंता का विषय है कि भाई सब मिल गए, ठीक है, सब मिलने के बाद भी आपकी भाजपा से बराबरी नहीं हो पा रही, तो चिंता उनको बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। हाँ, उन्होंने कहा सब मिल गए लेकिन केंद्र में बीजेपी की बराबरी नहीं कर पाए। मैं आ रही हूं आशुतोष जी, एक बार सुनील जी की बात हो जाए। और सुनील सिंह साजन जी, देखिए लोकसभा के लिए भले ही राहुल गांधी को आप देश में आगे कर दें और अखिलेश जी थोड़े पीछे होकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ जाएं, लेकिन जब यूपी की बात होगी और मायावती को साथ में लेने की बात होगी तो आप लोगों को लग रहा है कि नंबर 2 की पार्टी बनना पसंद करेंगे मायावती? वो तो यही चाहेंगी कि उनका चेहरा घोषित करके अगर वो आएंगी भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, तो एक बयान में 2 तलवार को कैसे रखेंगे सुनील सिंह साजन जी? आपके अखिलेश यादव जो 2012 में सीएम रहे हैं फुल मैंडेट के साथ और 2007 में उसके पहले मायावती जी रही हैं। देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है, हमारा चुनाव निशान साइकिल है, साइकिल का एक पहिया लोहियावादी विचारधारा का, एक पहिया अंबेडकरवादी विचारधारा का, रणनीति हमारी पीडीए है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई जरूरत है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा, एक तो वो अपने बात में इस बात का संशोधन कर ले कि देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं दिया है, उनको हराया, नैतिकता की हार हुई उनकी। वो जो 10 लाख से जीत रहे थे, 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं। राजनाथ सिंह जी 75,000 वोटों से जीत पाए हैं। अयोध्या आप हार गए हैं, चित्रकूट आप हार गए हैं, श्रावस्ती आप हार गए हैं, तो आप अभी घमंड मत करिए, अभी घमंड चूर होना शुरू हुआ है। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, अच्छा किसको दिया है मैंडेट साजन जी? के 6 महीने बाद भूचाल आएगा, अभी राजनीति में भूचाल आना बाकी है। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 3 अंकों में सीटें नहीं आएंगी, 100 से नीचे सीटें आने जा रही हैं। ये पीडीए की ताकत का एहसास अभी हुआ है, मैंने कहा ना पीडीए ने अभी आपको हराया है, 24 में 27 में पोछा लगाएगा, आपके मुख्यमंत्री से लेकर के
डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर आ रहेंगे। अभी आपको याद है ना, था चढ़ाने वाले हार गए, आपको याद है ना कि जो जहर बोलते थे, नफरत की भाषा बोलते थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो हम केवल ये कहेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिटारा बंद करके हम लोग दिल्ली भेज देंगे, अपना उसी में खोल के देखेंगे कितने जीते। बाकी कितने लोगों के पास भी जाना है। हाँ, जल्दी से दो लाइन में जल्दी से। हाँ, अभी ये कह रहे थे कि आप अयोध्या हो आना। हाँ, बस दो लाइन। अयोध्या की बात कर रहे हैं, बोल सकता हूँ सुनील जी की बात हो जाए, उसके बाद शिवम जी आप बोलिएगा। दो लाइन में इनकी बात खत्म। चित्रा जी 10 सेकंड। देखिए, हमारे नेता मानेश यादव जी जाएंगे अयोध्या। हाँ। अयोध्या के लोगों का धन्यवाद देंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन आप बताइए, जिस विचारधारा के लोग हैं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं, या पिछड़े दलित आदिवासी कोई मंदिर जाता है तो आप मंदिर धुलवाते हैं, तो आप कितने दिनों तक और कितने लोग लग करके मंदिर धुलवाएंगे? बोले शिवम जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, बाकी लोगों के पास आना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बस एक ही, कितना कितना अहंकार है ये हारे हुए लोगों में। इतना अहंकार इस दुनिया में और हिंदुस्तान में शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। हार गए, हारने के बाद विपक्ष में बैठे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भाजपा को हरा दिया, मोदी जी को हरा दिया, जीत कर शपथ ले लिए। भाई, आप इसी इल्यूजनरी दुनिया में बैठे रहिए। और रही बात पीडीए की और पिछड़ों की, किन पिछड़ों और किन बहन कुमारी मायावती की बात कर रहे हो? उनके साथ क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने? बहन कुमारी मायावती के एमएलए राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस की तरफ चले गए, ये देश जानता नहीं है क्या? किस तरीके से उत्तराखंड में चले गए, किस तरीके से मध्य प्रदेश में चले गए, किस तरीके से उनके साथ गेस्ट हाउस कांड में इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, ये देश सब जानता है और मैं मानता हूं सबको पता है। लेकिन अब कोई अपनी जान का रिस्क नहीं लेने वाला। भाई, आप समाजवादी के साथ तो सिर्फ और सिर्फ वोट और सिर्फ गिनती का फर्क नहीं है, जान का भी रिस्क है। जिस तरीके की गुंडागर्दी कल्चर, जिस तरीके से पिछड़ों के प्रति इनकी लाठियां भांजी गई है, किस तरीके से बहन कुमारी मायावती के साथ अत्याचार हुआ है, वो भूली नहीं है उसको। आप कितना भी कोशिश करते रहिए, कितना भी फोन लगाते रहिए, फोन नहीं उठने वाला। ठीक है, इनको लग रहा है कि फोन नहीं उठने वाला। आशुतोष जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, लेकिन मायावती इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? उनके पास शून्य सीटें हैं, 2014 में भी शून्य सी, 2019 में गठबंधन करती है तो उनको जरूर फायदा हो जाता है, विधानसभा में भी उन्होंने कोई कमाल नहीं किया, और फिर एक सीटों के साथ मायावती की पार्टी। लेकिन मौजूदा वक्त में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो क्यों हो गई है आशुतोष जी? चित्रा जी, मायावती जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है, वह उनकी राजनीति अब अगले चुनाव तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पता नहीं मायावती जी को यह बात समझ में आती है, समझ में नहीं आती है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 22% का वोट लेकर आती थी, आज उसी प्रदेश के अंदर 9% का वोट लेकर आई है। अगले बार ये 9% उनके साथ रहेगा, इसका इसमें भी संदेह है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि जो लोग भगवान राम पर अपना कॉपीराइट समझते हैं और बार बार लोगों को इस वजह से अपमानित करते हैं, उनको आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का वो स्टेटमेंट सुनना चाहिए, जहां वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है। स्वयं सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो अहंकारी वो स्वयं सेवक नहीं होता। पता नहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस बात को कब समझेंगे कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं, और ये बात जितनी जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता और उनके नेता समझ लें, उतना ही उनका अच्छा। आज उत्तर प्रदेश हुआ है, कल उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये चीज रिपीट हो जाएगी। शिवम जी, थैंक यू। अगले 5 साल मैं कहता हूं आशुतोष जी, इसी तरीके के सपने लेते रहिए, आपको बहुत आवश्यकता है। वैसे भी 10 साल जब कोई भी व्यक्ति विपक्ष में रहता है या विपक्ष की तरफ से काम करता है या बोलता है, तो उसके लिए 10 साल बाद तो अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलती नहीं है। दूसरा, एक और चीज जो आपने कही, संघ की जो बात कही, संघ प्रमुख की बात कही, मैं कहता हूं मात्र संगठन है हमारे देश में, हमारे संगठन में यह स्थिति है। किसी की हिम्मत है तो कहकर दिखाइए कि जो पार्टी 400 पर बैठी हुई थी उसको 40 पर पहुंचा दिया, बंटाधार कर दिया, वो खत्म हो गए क्या? ठीक है, मायावती जी कैसे खत्म हो जाएंगे? तर्क क्या है, आधार क्या है इसके पीछे? ठीक है, जो लोग छोटा सा जवाब में आपसे चाहूंगी, देखिए जब देश के लिए चुनाव हो तब तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन विधानसभा में भी अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से पीछे, जैसे मैंने यूपी का उदाहरण दिया, बिहार का उदाहरण दिया, बंगाल में तो दीदी करेंगे नहीं आप लोगों से गठबंधन, इस तरह से अलग अलग राज्यों को अगर हम देखें तो फिर कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते विधानसभा में अच्छा कैसे कर पाएगी? रत्नाकर त्रिपाठी जी, यह लग रहा है समाजवादी पार्टी मजबूरी भी है और जरूरी भी है कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जिस समय कांग्रेस 44 पे थी तब लोगों ने यह प्रश्न उठाया, 52 हुई तब भी यह प्रश्न उठा,
अब 100 हो रही है तब भी ये प्रश्न है। कांग्रेस हर जगह अपने बूते पे चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी। हमें ये भली भांति पता है कि अगर हमें उन लोगों को परास्त करना है जो लोग इस देश की सत्ता को, इस देश के तंत्र जकड़ करके इस तरह बैठे हैं कि वो चरमरा के रह गया है, तो हम निश्चित तौर पे सहयोग के साथ लड़ाई लड़नी। अभी मैं आपको और बता रहा हूं, ये इतनी देर से राम मंदिर, क्या मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मैं राम के प्रति श्रद्धा नहीं है? कबीर से अधिक किसी ने राम लिखा है? कबीर ने कहा, भला हुई मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली भला, माला फिरू न जप करूं, मुख से कहूं न राम, और राम हमारा हमें भजे भाई, मैं पायो विश्राम। प्रेम तो राम में है ना, ये बांचते हैं, मैंने कहा ना, ये धर्म बांचते हैं और बेचते हैं। जिनके धर्म अब भविष्य भारतीय जनता पार्टी का या फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रत्नाकर जी, ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए कि कई बार राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का बहुमत हासिल किया और फिर केंद्र में अपनी सरकार भी बनाई है। तो राम को लेकर दोनों ही तरफ के दावे किए जाते हैं, किसके दावे में दम दिखेगा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसके हक में जाएगा, दलितों का वोट किस तरफ पड़ेगा और बहन मायावती क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला करेंगी या अकेले चुनावी मैदान में जाएंगी या फिर बीजेपी के प्रति अपना सॉफ्ट रुख दिखाएंगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।